तो स्वागत है आप सभी का एयरटेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे डेबिट कार्ड का यूज़ करके ईएमआई पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है फ्लिपकार्ट में, जहाँ पे आपको कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप 60,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट पे बिना क्रेडिट कार्ड के। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये इसका मतलब क्या है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने एक नया ऑप्शन निकाला है, एक नया फीचर निकाला है जिसमें आपको कार्डलेस क्रेडिट का फीचर मिलेगा। इसमें आपको 60,000 रुपये तक का क्रेडिट मिलेगा, इंस्टेंट क्रेडिट मिलेगा, और इस क्रेडिट का यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एंड देन आपको इस अमाउंट को फ्लिपकार्ट को पे करना पड़ेगा। और इस फीचर्स का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पे इस ऑफर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है वो आपका डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर पे, तो वो क्रेडिट स्कोर जो है वो फ्लिपकार्ट वाले डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। आपको यहाँ पे मैक्सिमम 60,000 रुपये तक मिल सकता है और मिनिमम आपको कितना भी मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाई फ्लिपकार्ट। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है, हाउ टू एक्टिवेट फ्लिपकार्ट कार्डलेस फीचर्स। तो सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट ऐप को अपडेट करना पड़ेगा या फिर एक नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड देन आपको यहाँ पे एक बैनर दिखेगा कार्डलेस क्रेडिट का, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का, दोनों कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है एंड वेरीफाई करवाना है। एंड देन आफ्टर वेरीफाई आप जो यहाँ पे 60,000 रुपये तक का क्रेडिट लिमिट यूज़ कर सकते हैं। ये सबके अकाउंट पे अलग अलग क्रेडिट लिमिट मिलेगा, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट विल बी डिसाइडेड बाय फ्लिपकार्ट, तो आपके अकाउंट में कितना मिलेगा वो फ्लिपकार्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अप्रूव फॉर 60,000 क्रेडिट लिमिट, और आप इस क्रेडिट लिमिट का यूज़ करके आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और जैसा आपके क्रेडिट कार्ड में होता है आप इसको ईएमआई पे भी पे कर सकते हैं, या फिर आप जितना मंथ चाहिए उतना मंथ के टेनवर का चूज़ करके इसको ईएमआई पे कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो ईएमआई रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 3 मंथ का यूज़ करते हैं तो आप 0% इंटरेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आपको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे ये यहाँ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट पेज पे, और एंड देन आपको यहाँ पे उस अमाउंट को पे करना है। पे करते ही आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पे वो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप इस अमाउंट को आप ईएमआई या फिर जैसे चाहे आप वैसा पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक डेमो देखेंगे कि इस ऑफ़र को कैसे एक्टिवेट करना है। तो ये रहा डेमो, तो यहाँ पे आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट खोलना है एंड देन नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के दौरान आपको ये बैनर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड देन आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो चीज़ें फिल करनी है, एक तो पैन कार्ड का नंबर एंड एक आधार कार्ड का नंबर। दोनों फिल करने के बाद आपको इसे वेरीफाई करवाना होगा। तो आधार कार्ड को वेरीफाई करवाने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको EKYC एंड क्रेडिट चेक का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे आपको OTP फिल करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे एंड देन ये आपका हो गया, प्रोसेसिंग लेगा 30 सेकंड का। एंड देन यहाँ पे आपको 60,000 रुपये तक का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। इस क्रेडिट लिमिट को आप EMI या फिर पेबैक भी कर सकते हैं, और इसको तोड़ने के लिए आपको कोई भी प्री डिस्क्लोज चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब अगर आप अपने EMI को ब्रेक करना चाहते हैं बीच में और सारा अमाउंट एक ही बार में पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद अब चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट खरीद के दिखाता हूँ कि इसको पेमेंट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया एप्पल का फ़ोन, एंड देन यहाँ पर हम लोग यहाँ एप्पल के फ़ोन पे गए एंड बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ पे क्लिक करते ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये तो पेमेंट पेज पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिले, दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो कार्डलेस क्रेडिट पे लेटर और एक कार्डलेस क्रेडिट EMI, यानी आप
बाद में भी पे कर सकते हैं सारा अमाउंट, या फिर आप उसको ईएमआई पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको मंथ के हिसाब से जो भी आपने टेन्योर सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपका पैसा कटेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल ई आर्टिकल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऑफर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।